ये है हीरा शेर। हीरा बहुत समझदार, बहादुर और मेहनती है। हीरा हमेशा अपने पिता महाराज वीरभान का कहा मानता है और हर समय अपने पिता की हर छोटी बड़ी बातों का सम्मान करता है। हीरा के पिता महाराज वीरभान सुंदरवन जंगल के महाराज थे। महाराज वीरभान के परिवार में उनकी पत्नी सहित तीन बेटे थे, रघु, शिवा और हीरा। वीरभान अपने तीनों बेटों में से रघु और शिवा के साथ अच्छे से बर्ताव करते थे, लेकिन महाराज वीरभान अपने सबसे छोटे बेटे हीरा को बाकी दोनों बेटों से सबसे कम दर्जा देते थे और हीरा से बहुत कम बात किया करते थे। अपने परिवार में हीरा की अहमियत एक नौकर से ज्यादा नहीं थी। हीरा सारा दिन अपने परिवार के लिए काम करता रहता था। हीरा के दोनों भाई रघु और शिवा भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते थे। कोई भी हीरा के साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। इसके बावजूद बेचारा भोला हीरा कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता था। लेकिन आखिर हीरा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता था, ये एक लंबी कहानी है। दरअसल बचपन में हीरा रश्मि नाम की एक शेरनी के साथ स्कूल जाया करता था। रश्मि अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही एक हादसे में चल बसे थे। हीरा और रश्मि दोनों एक साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। वे अपना अधिकांश समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। धीरे धीरे समय के साथ हीरा और रश्मि दोनों बड़े हुए और समय के साथ ही हीरा का प्यार रश्मि के लिए बढ़ता गया। एक दिन हीरा अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मैं रश्मि से प्यार करता हूँ और रश्मि भी मुझसे प्यार करती है, आप पिताजी से मेरी और रश्मि की शादी के लिए बात क्यों नहीं करती। तब यह सुनकर हीरा की माँ एक दिन महाराज वीरभान से उसकी शादी के बारे में बात करती है। भानवी, अगर रश्मि इसके साथ शादी करने के लिए राजी है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर हीरा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं रश्मि के पास जाकर उसे यह बात बताता हूँ। रश्मि, आज बहुत खुशी का दिन है, पिताजी ने हम दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, अब हमारी शादी हो जाएगी। यह सुनकर रश्मि हैरान हो जाती है। नहीं नहीं हीरा, ये तुम क्या कह रहे हो, हमारी शादी नहीं हो सकती। क्या हुआ रश्मि, हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं हीरा, तुमने हमारी दोस्ती को प्यार समझ लिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं एक पढ़ी लिखी होशियार शेरनी हूँ और तुम ठहरे अनपढ़ गवार। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। हीरा, मेरी पिताजी के सामने उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं है, यह काम तुम्हें करना है। तुम पिताजी से मना करो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। ऐसा कहकर रश्मि वहाँ से चली जाती है। रश्मि की बात सुनकर हीरा को बहुत दुख होता है। अगले दिन हीरा अपने पिता के पास जाकर उन्हें रश्मि के साथ शादी करने के लिए मना करता है। तब हीरा की बात सुनकर महाराज वीरभान को हीरा पर बहुत गुस्सा आता है। नालायक, ये तूने क्या नाटक लगा रखा है, मुझे तो पहले ही पता था तू रश्मि के लायक ही नहीं है। भानवी, अगर तुम आगे से इस नालायक का रिश्ता लेकर मेरे पास आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब कुछ दिनों बाद रश्मि की शादी हो जाती है। अब हीरा अकेला हो जाता है। जहां हीरा अपने पिता को अपनी दौलत समझता था, वहीं हीरा के दोनों बड़े भाई रघु और शिवा की नज़र अपने पिता की दौलत पर थी। एक दिन वीरभान शेर अपनी पत्नी भानवी से कहता है, भानवी अब मेरी उम्र हो गई है, लगता है कि अब मुझे इस जंगल का कामकाज और गद्दी अपने बेटों को सौंप देनी चाहिए। जंगल को एक समझदार, बहादुर और ताकतवर राजा की जरूरत है। हीरा में ये सारे गुण हैं। समय आने पर मैं हीरा को ही जंगल का राजा बनाऊंगा और तब मैं थोड़ा आराम कर पाऊंगा। वहीं वीरभान शेर की ये सारी बातें उसके दोनों बेटे रघु और शिवा सुन लेते हैं। देखा शिवा भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पिताजी अंदर ही अंदर हमसे नफरत करते हैं, वह सिर्फ दिखावे के लिए ही हमसे प्यार करते हैं। हाँ भाई, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जंगल में राज करने का हमारा सपना है। हमारे होते हुए हीरा कभी भी जंगल का राजा नहीं बन सकता, चाहे इसके लिए फिर हमें अपने रिश्तों का ही खून क्यों ना बहाना पड़े। तब रघु और शिवा हर किसी को अपने रास्ते से हटाने का सोच लेते हैं। जब रात में सब सो रहे थे, तब रघु और शिवा मौके का फायदा उठाकर अपने ही माता पिता पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को जान से मार डालते हैं। सुनो रघु, अब माँ और पिताजी दोनों ही नहीं रहे, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अब हीरा अकेला है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो हम उसे भी मार डालेंगे। ये कहकर रघु और शिवा वहाँ से चले जाते हैं।
वहीं एक गाय शिवा और रघु की ये सारी बातें सुन लेती है। रघु और शिवा के जाने के बाद गाय भागती हुई वीरबान की गुफा में आती है। गाय देखती है खून से लथपथ महाराज वीरबान और भानवी शेरनी की लाश जमीन पर पड़ी है। यह देखकर गाय हैरान हो जाती है। तब गाय उनके पास जाती है। महाराज वीरबान और भानवी शेरनी की सांसें अभी भी चल रही थी। यह देखकर गाय की जान में जान आई। महाराज आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तब गाय वीरबान और भानवी शेरनी को लेकर भालू हकीम के पास आती है और भालू हकीम से उनका इलाज करवाती है। उधर रघु और शिवा जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करते हैं। सुनो भाइयों, कल रात एक दुर्घटना में हमारे माँ और पिताजी दोनों नहीं रहे, इसलिए आज से हम दोनों भाई इस जंगल को संभालेंगे। लेकिन रघु, शिवा, महाराज वीरभान तुम्हारे भाई हीरा को जंगल का राजा बनाना चाहते थे। उन्होंने हमसे एक बार इस बारे में बात भी की थी। हीरा यहाँ नहीं है। मेरे ख्याल से हमें एक बार हीरा के आने का इंतजार करना चाहिए। नहीं भाइयों, हीरा भी यही चाहता है कि हम दोनों बड़े भाई जंगल के राजा बने। और वैसे भी तुम सबको इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उधर हीरा कई दिनों बाद ने जंगल वापस लौटता है। जब हीरा को अपने माता पिता की मौत की खबर मिलती है तो हीरा बहुत हताश और निराश हो जाता है। आखिर ये सब कैसे हो गया? माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? ये सब मेरी गलती है, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तब ऐसा कहकर हीरा अपने दोनों भाई रघु और शिवा के पास पहुंचता है। हीरा, पिताजी ने मरने से पहले हम दोनों भाइयों को यह जंगल सौंप दिया था, इसलिए अब सिर्फ मैं और शिवा इस जंगल को संभालेंगे। यह सुनकर हीरा अपने बड़े भाइयों से कुछ नहीं कहता और निराश होकर वहां से चला जाता है। रघु भाई, ये हीरा ऐसे शांत नहीं बैठेगा, ये जरूर जानवरों के साथ मिलकर मन ही मन हमारे खिलाफ कोई ना कोई चाल अवश्य चलेगा। इससे पहले ये हमारे लिए खतरा बने, हमें इसे रास्ते से साफ कर देना चाहिए। तब एक दिन रघु और शिवा मिलकर हीरा को अकेला पाकर उसे जंगल में घेर लेते हैं। हीरा, तुम हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो, जब तक तुम जीवित हो हमें शांति नहीं मिलेगी, इसलिए आज तुम्हें मरना ही होगा। रघु, शिवा, ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ हीरा, तुम सबसे छोटे हो, तुमने इसी बात का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। हमने तुमसे झूठ कहा था, माँ और पिताजी हमें नहीं बल्कि तुम्हें जंगल का राजा देखना चाहते थे, क्योंकि उनकी नज़र में तुम जंगल को संभालने के लायक थे। लेकिन हम दोनों भाई ऐसा नहीं चाहते थे कि तुम इस जंगल के राजा बनो। बरसों से हम दोनों भाई मिलकर एक साथ इस जंगल पर राज करना चाहते थे, इसलिए हमने मौका मिलते ही माँ और पिताजी दोनों को अपने रास्ते से साफ कर दिया। रघु और शिवा की बात सुनकर हीरा के होश उड़ जाते हैं। क्या, माँ और पिताजी को तुम दोनों ने मारा है? रघु, शिवा, तुम इस जंगल के लालच में इतना गिर गए कि अपने ही माता पिता को मार डाला। गद्दारो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हीरा, माँ और पिताजी तो कब के चले गए, अब तेरी बारी है। तभी इतने में महाराज वीरबान भानवी और गाय के साथ वहाँ आता है। हीरा बेटे, हीरा बेटे, मैं जिंदा हूँ, मैं और तुम्हारी माँ अभी जिंदा हैं बेटे। हीरा अपने माता पिता को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। रघु और शिवा उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। हीरा बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भला हो इस गाय बहन का जिसने समय रहते हमारी जान बचाई और सही समय पर हमारा इलाज किया। बेटा हीरा, मैं बरसों से तुम्हें नालायक और निकम्मा समझता था, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मैं असली हीरा की पहचान नहीं कर सका। तुम्हारे ये दोनों भाई धन और दौलत के भूखे हैं, ये दोनों अपने लालच में इतना गिर गए कि इन्होंने अपने ही माता पिता को मारने का सोचा। ये दोनों गद्दार जिंदा रहने के लायक नहीं है। तब हीरा को बहुत गुस्सा आता है। हीरा और महाराज वीरबान मिलकर रघु और शिवा पर हमला करके उन दोनों गद्दारों को वहीं जान से मार देते हैं और फिर महाराज वीरबान अपने बेटे हीरा को जंगल का नया राजा घोषित कर देते हैं।